वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था, एक नहीं बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, और उसमें मुझसे पूछा गया था कि राकेश भाई, आप आखिरी बार हंसे कब थे। तो दोस्तों, आपके कमेंट का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि मैं हंस रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अब आप खुश हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आप मुझे हंसता हुआ देखना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज ये वीडियो मैं हंसते हंसते बनाऊंगा ताकि आप भी हंसें और मैं भी अपनी ऊर्जा को फील कर सकूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द कार्मिक पैटर्न की। ये जो कार्मिक पैटर्न है, ये एग्जैक्टली क्या होता है और हमें इसे क्या समझना चाहिए और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने कार्मिक पैटर्न से बाहर नहीं आते हैं तब तक हम अपने पर्पस को मीट नहीं कर सकते, उसको अचीव नहीं कर सकते। तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज होती है, कुछ फिलॉसफी होती है जिसको हमें समझने की बड़ी आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हमारी आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है, बल्कि हमारा शरीर ही मरता है। और जब हमारी शरीर की अवधि पूरी हो जाती है तो हमारे शरीर से हमारी आत्मा का निकास हो जाता है, बाहर चली जाती है वो, और वो हमारी एनर्जी में मर्ज हो जाती है। और जब हम दोबारा पैदा होते हैं तो वो सोल वापस हमारे शरीर में आता है और हम एक नया जीवन को जीते हैं। समझने की बात ये है कि कार्मिक पैटर्न क्या होता है। कार्मिक पैटर्न ये होता है कि जब आप किसी जीवन में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है, कुछ चीज़ें आपने उसमें फॉलो की होंगी। तो कार्मिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि जब आप जिन चीज़ों को आपने अपनी पास्ट लाइफ में फॉलो किया है और जब आपकी मृत्यु हो जाती है और जब आपको नया जीवन मिलता है, तो आप उसी चीज़ों को अनचाहे रूप में वापस इस जीवन में फॉलो करते हैं, जिसको हम पैटर्न कहते हैं। और वो जो पैटर्न है, हम जितनी ज़िंदगियाँ जियेंगे उतना स्ट्रांग हो जाता है। मतलब ये कि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप में लिबरेशन की इच्छा है, स्पिरिचुअलिटी की इच्छा है, तो आपका जो जन्म है वो ज़्यादा नहीं होगा इस धरती पर। आपकी जो बर्थ लिमिटेशन है वो काफ़ी कम रहेगी। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी को पहचाना नहीं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जाना नहीं, और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से महरूम हो गए कि आपने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, तो आप बार बार इस धरती पर वापस आएंगे अपने पर्पस को मीट करने के लिए। और इस पर्पस को आप तब तक मीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना पुराना कार्मिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप जाके अपनी सोल को लिबरेट कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ताकि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाएं कि ये पैटर्न होता क्या है और उसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप पास्ट लाइफ में एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, एक योगी थे, और आपने काफ़ी अच्छे से अपनी अपनी लाइफ को लीड किया, और एक पॉइंट पे आपकी लाइफ पे आपसे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई, मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ कि आप शादीशुदा थे लेकिन आप किसी और रिलेशनशिप में आप इंटर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे वो गलती हो गई और उस गलती के कारण आपने उस गलती से बहुत कुछ और गलतियां भी की होगी। और जब वो गलतियां आप करते गए तो वो आपका एक पैटर्न बन गया। और जब आपकी आंखें खुली, आंखें खुलने का मतलब ये, जब आपके सामने सच आया तो आपने स्वीकारा कि मुझसे जो गलती हुई उसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा और इसको मैं ब्रेक करूंगा, तो वो आपने ये कसम खाई कि मेरा जो भी पैटर्न है मैं उसको ब्रेक करूंगा जब मुझे ईश्वर एक नई अपॉर्चुनिटी देगा। तो अब मान लीजिए कि आपका दोबारा जन्म हुआ और दोबारा जन्म होने के बाद में आपकी शादी हुई, और शादी होने के बाद में आपके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पर आपको एक डिज़ायर आया कि आप किसी दूसरी रिलेशनशिप में जाएं, या आपको एक अट्रैक्शन हुआ कि आप किसी दूसरी रिलेशनशिप में जाएं। तो अगर आपने अपनी लर्निंग, अपने पैटर्न को अच्छे से समझा हुआ है, तो क्या करेंगे आप इस जन्म में वो गलती आप नहीं करेंगे जो आप पूर्वाद में कर चुके हैं,
और वहां पर आप अपना पैटर्न ब्रेक करेंगे और उस रिलेशनशिप में आप नहीं जाएंगे बल्कि उस रिलेशनशिप को वहीं खत्म कर देंगे और अपने पैटर्न को ब्रेक करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उस अवेयरनेस के साथ में आप आगे बढ़ जाएंगे। जब आप कोई पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो आप अपनी लाइफ के लिए एक नया डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं, क्योंकि फिर आपके जो जीवन है वो बदलने वाला होता है, या मैं ये कहूँ वो बदल जाता है, और ईश्वर आपको उस राह में डाल देता है जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपका जो लिब्रेशन है या जो आपका पर्पस है वो फुलफिल हो सके। समझने की बात ये है कि अगर हम एक जिंदगी जीते हैं तो उस जिंदगी में हमने काफ़ी कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं और काफ़ी कुछ बुरे कर्म किए होते हैं। तो पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो आपने अच्छा किया है उसको आपको रिपीट करना है, वो बट नेचुरल ऑटोमेटिकली रिपीट होगा, लेकिन जो आपने बुरा किया है वो भी आपसे बट नेचुरल रिपीट होगा। लेकिन आपको उसी पैटर्न को ब्रेक करना है, उसी को समझना है। आपने जो गलतियां बार बार की है अपने पास्ट लाइफ में, अगर आप उसी गलतियों से बार बार सीखेंगे नहीं और उसी को रिपीट करते रहेंगे तो आपकी जो जर्नी है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी जहां पर आपको कभी भी अपनी मंजिल नहीं मिल पाएगी। तो पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो पैटर्न है वो हमारी पास्ट लाइफ से ही रिपीट होता है। तो जो भी आपने विलिंगफुली जानबूझ के कोई भी ऐसी कर्म किए हैं जो गलत हैं और उसको लिए आपने पश्चाताप या प्रायश्चित नहीं किया, तो इस जन्म में आप उन्हीं चीज़ों को वापस आपके जीवन में आपको वो गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक समझदार सोल हैं और आप एक अवेयरनेस में हैं तो आप क्या करेंगे, उस अवेयरनेस की स्थिति में उस गलती को करने से अपने आप को रोक देंगे, और जैसे ही आप उस गलती को रोकते हैं तो आप अपने लिए एक नई जिंदगी लिखना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी जो डेस्टिनी है वो डेस्टिन्ड है, हम जब पैदा हुए तो हमारी डेस्टिनी लिखी गई है और हम उसी तरह अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते हैं या हम उसी तरह ज़िंदगी को जीते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता दोस्तों, मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूं कि हमारा जो बर्थ चार्ट है, हमारी जो कुंडली है, वो आपकी पास्ट लाइफ की कुंडली है कि आपने क्या किया है और इस जन्म में आप उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो आपका ये जन्म नहीं दिखा रहा है, वो आपका पास्ट दिखा रहा है। तो अगर इस चीज़ को समझ के हम अपनी प्रेजेंट में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें जिससे हमारा जो बैगेज है, ओल्ड बैगेज है, वो क्लियर हो सके, तो हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये मैंने स्वयं एक्सपीरियंस की है और अपने जीवन में अपनाई है, और उसके कारण ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इस चीज़ को सोच के देखिए कि कभी कभी हमारे अंदर ऐसे इंस्टिंक्ट आते हैं जो कभी हमने कभी सोचा नहीं है, लेकिन उस इंस्टिंक्ट के थ्रू हम कुछ चीज़ कर लेते हैं, कुछ गलत भी कर सकते हैं और कुछ सही भी कर सकते हैं। तो अगर सही कर रहे हैं तो वो चीज़ कहाँ से आई, क्योंकि हम वो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इसलिए वो हमारा इंस्टिंक्ट बन के आई और हमने उसको कर दिया। लेकिन अगर हमने कुछ गलत किया है और सडनली किया है, इंस्टिंक्ट के साथ किया है, तो वो भी आपका पास्ट लाइफ पैटर्न है, क्योंकि आपने जो किया है उसी को करने के लिए आप वापस प्रेरित हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को आपको समझना है दोस्तों, और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हमें अपनी कार्मिक पैटर्न को चेंज करना है, उसको ब्रेक करना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक नया कुछ रच सकते हैं जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में वो हासिल कर सकते हैं जिसके कारण आपका जन्म हुआ। तो कार्मिक पैटर्न को समझें, अपना अपने रोल को समझें और उस अवेयरनेस में रहें कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। जहाँ पे आपको फॉलो करना है उसको फॉलो करना है, लेकिन जहाँ पर आपको ब्रेक करना है उसको ब्रेक करना है। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो आप उसी चेन में अपनी ज़िंदगी को दोबारा जिएंगे, आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जिससे आपको पास्ट में कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो इट इज़ मोर अबाउट इनर कॉलिंग एंड अवेयरनेस एंड आस्किंग योर सेल्फ दैट वेयर आई नीड टू चेंज, वेयर आई नीड टू ब्रेक माई पैटर्न। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग देन योर लाइफ विल चेंज इन 180 degrees, माई फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के थ्रू जो कार्मिक पैटर्न है उसको आपने समझा होगा और उस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करके आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकते हैं, ये राह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड देर इज़ अ बिग स्माइल ऑन माई फेस, माई फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।